नमस्कार। गणित और विज्ञान में किसी भी चीज की गणना करने के लिए समीकरणों का इस्तेमाल होता है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी को सन 1984 में जब भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भेजा था तो उनके रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे समीकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। जब आपके स्कूल की बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तब भी जो इंजीनियर इस पे काम कर रहे थे उन्होंने भी कई सारे समीकरणों का इस्तेमाल करके स्कूल का नक्शा तैयार किया। क्या आप जानते हैं कि जब आपके माता या पिता सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं तब भी समीकरणों का इस्तेमाल पैसों का हिसाब लगाने में होता है? सर जी 70 रुपए हो गए। ये लो भैया 100 रुपए। कितने पैसे लौटाने हैं? 100 में 70 गए तो कितने बचे? ये लीजिए सर बचे हुए 30 रुपए। यहां आप देख सकते हैं कि हमारे समीकरण में एक चर था। चर समीकरण का वह पद होता है जो परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग मान ले सकता है। एक चर वाले समीकरणों का हल करना हमने सीखा हुआ है, पर इसी प्रकार अगर कभी हमारे समीकरण में दो चर हों तो क्या होगा? पिछले उदाहरण को फिर से देखें तो अगर आपके पिताजी सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं और फल वाले से फल लेते हैं और कुल मिला के 150 रुपये खर्च होते हैं तो समीकरण क्या बनेगा? यहां आप देख सकते हैं कि हमारे समीकरण में दो चर हैं। यहां हम कैसे पता करेंगे कि सब्जी और फल पे कितना खर्चा हुआ है? इस पाठ में हम इसी प्रकार के दो चरों वाले समीकरणों का हल करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह गणित के नियमों का इस्तेमाल करके हम ऐसे समीकरणों का हल कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह ग्राफ के इस्तेमाल करके हम इन समीकरणों के सचित्र प्रदर्शन द्वारा इनका हल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं।